देखिए हमारे मुअज्जिज हैं, कपड़ों से पहचान लीजिए, प्रधानमंत्री जी बोले थे। क्या आप पहचानना चाहते हैं, किसको पहचानना चाहते हैं? हम लोग तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी करते हैं मोदी जी की। मोदी जी ने 14 से लेकर आज तक कभी डायरेक्ट मुसलमान का नाम नहीं लिया, लेकिन पहली बार जब उन्होंने कहा कि कपड़ों से पहचान में आ जाते हैं, तो ये भी तो मुसलमान का कपड़ा पहने पत्थर चलाते हैं। ये पूछिए, पूछिए कि मुफ्ती साहब पत्थर चलाते हैं, उसी कपड़े क्यों पहने हैं ना, इन्हीं के कपड़े की बात हो रही थी ना। जी जी जी, एक मिनट, समझदारी से बात करनी चाहिए। किसके, आपको किसने कहा? नहीं नहीं, बयान बताओ, गलत बात नहीं, बयान बताओ, आप बयान बताओ यहाँ पे। प्रतीक भाई, आपके शो में अगर सही बात है तो बोलिए, आप बयान बताओ। अरे कपड़ों से कौन पहचानते हैं, आपके कर्म बताते हैं, आपके कर्म बताते हैं। किसने हिंदू मुसलमान का नाम लिया? आपने कर्नाटका में बजरंग बली को अगर किसी ने विषय बनाया प्रतीक भाई, तो कांग्रेस पार्टी के बयानों ने बनाया, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये क्या बेकार की बात करते हैं? और रही बात, जो लोग भगवान राम के अस्तित्व में प्रश्न उठाते थे, जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व प्रश्न उठाती थी, आज उसका गुणगान कर रही है। समाजवादी पार्टी, रामचरितमानस। देखिए, इन्होंने हनुमान चालीसा पूरे देश में पढ़ ली, हाँ, लेकिन कर्नाटक फिर भी हार गए। आप सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, आपकी तरह मौका परस्त नहीं है। सुनाओ फिर, सुनाओ, हाँ? अगर सदियों से पढ़ रहे, सुनाओ, रामचरितमानस सुना दे। अरे रामचरितमानस का थोड़ी ना होने लगेगा। अरे अरे, मेरा टेस्ट मत लो प्रतीक भाई, आपके चैनल पर पूरी रामचरितमानस कट कर दूंगा, इसलिए मेरा टेस्ट ना ले। जो लोग 17 मेयर के, जो लोग 17 की मेयर की सीटें नहीं बचा सकते, जो भाई और भाई की सरकार लाने के पता नहीं मुंगेरी राव के सपने रचते हैं, उस प्रकार की आपत्ति नहीं। देखिए, अभी लोकतंत्र की बात शैलेंद्र जी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। 500 एट लग जाता है तो पढ़ाई पढ़ाई जाती है आईएएस के बच्चों को यूपीएससी में, कि 48 घंटे के भीतर उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह इनके ही सम्माननीय सांसद हैं, और देश की बेटियां जो स्वर्ण पदक लगने वाले सड़क पर हैं, और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये लोग मैं कह रहा हूँ, कानून के किस किताब में लिखा है कि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी मैंडेटरी है? बताइए आप, मैं चुनौती देता हूँ आपको। अरे मैं आपकी पूरी पार्टी को चुनौती देता हूँ, बताइए आप। बहुत बड़ी बात कर दी, बिल्कुल कर दी। अगर आम आदमी होता उसी समय उसको उठा लिया जाता। यह जानकारी, अरे भैया इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर लगेगा कॉग्निजेबल है तो गिरफ्तारी होगी, अगर नहीं है तो जबरदस्ती हो जाएगी क्या? मामला फैक्चुअल है, सीधा और स्पष्ट है, किसी प्रकार की राजनीतिक और कुरकुरे की जरूरत नहीं है। एफआईआर दर्ज है, दोनों मामले में एफआईआर दर्ज है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन क्या न्यायालय में सम्मान है? कोर्ट ऑफ लॉ तय करेगा कि आप सड़क पर तय कर लेंगे, लोकतंत्र है कि नहीं है, न्यायालय है कि नहीं है, कौन तय करेगा जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? आप तय करेंगे क्या? कोर्ट ऑफ लॉ तय करेगा कि वो दोषी है कि नहीं है, आप सड़क पर तय नहीं करेंगे। ये देश का कौन सा कानून है जिसमें आम आदमी को अगर अभी लिखी जाए 501 तुरंत उसको उठा लिया जाएगा, लेकिन एक में पूरी कानून दंडवत है, पूरी पुलिस दंड। ये कौन सा कानून है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर में एक गुंडा, एक आतंकवादी को समाजवादी पार्टी टिकट दे करके वो संसद में बैठाती है? ये कौन सा लोकतंत्र है? आप लोगों ने लोकतंत्र को बाजार बना दिया है, जात के नाम पर दुकान खोल करके आप लोगों ने लोकतंत्र को बदनाम कर रखा है। लोकतंत्र अधिक अमत, अधिक अमत। अरे कहाँ चक्कर में पड़े, कोई बात कहो। अच्छा, कोई, अच्छा हिमालय की ठंडी हवा, कोई नदी, कोई पानी, कोई सूरज, कोई चंद्रमा की बात हो तो करो, ये तो इस चक्कर में ना पड़ो तुम। मेरी एक शेर है। शेर है, क्या नाम है? फुरकान आलम। फुरकान आलम, कहाँ से आना हुआ जनाब? जमशेदपुर, झारखंड से। जमशेदपुर से आज बहुत सारे लोग आ गए भाई, क्या बात है। जमशेदपुर से पानी वाली पिलाए पहले? हुजूर हुजूर अली इरशाद बोलिए। जिनके वजूद होते हैं, जिनके आराम से कहा जाता है, शेर बड़ी नाजुक चीज होती है। बीजेपी वालों को बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया था। जी जी, वो तो मैं समझ गया था, लेकिन बड़ा शेर को पढ़ने के लिए एक नाजुक मिजाजी जरूरत है। उस हिसाब से आराम से, तसल्ली से, पहले ऑक्सीजन लीजिए लंग्स में और फिर पढ़िए। हाँ जी, जिनके वजूद होते हैं। अरे ऐसा पढ़ो जैसे कोई नेतागिरी कर रहे हैं। जिनके वजूद होते हैं,
जिनके वजूद होते हैं, ऐसे नहीं जिनके वजूद होते हैं, जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। हाँ जी, जिनके वजूद होते हैं वो राम भक्त होते हैं। लो, जिनके वजूद होते हैं वो राम भक्त होते हैं। अब बताओ क्या, जो जवाबी कीर्तन चलने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे कर दें। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? उत्तम नगर। उत्तम नगर से, बहुत अच्छी बात है। उत्तम नगर से आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बात बन रही है कि? कह तो रहे हैं सारे अपनी अपनी। तो आप बताइए 24 में क्या बनने वाला है? मोदी जी बनेंगे और जी? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, आएंगे। हमें अखंड भारत हिंदू राष्ट्र दे दो, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाओ, हम वोट देंगे। अखंड भारत देगा, अखंड भारत। अच्छा, क्या नाम बेटा? अविनाश गुजर, फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। अविनाश गुजर कहते हैं तो बाकी तो हम समझ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। उतना तो ज्योग्राफी सही। आराम से बेटा, आराम से। वो दूसरा शोर है, ये दूसरा शोर है जी। कहाँ से आना हुआ बेटा? ग्रेटर नोएडा से। कैसे आना हुआ? रुको भाई, रुको बाप, बेटा रुको। ग्रेटर नोएडा से। क्या नाम है? करिश्मा। करिश्मा, कैसे आना हुआ इधर? बस ऐसे घूमने आए थे। तो घूमने आ गए तो तमाशा हो रहा था, हमने कहा चलो देख लिया जाए। हैं? तो हम चलो देख ही ले। तमाशा शो हो रहा था, चलो देख ही लिया जाए। नमस्ते, कुछ कहना चाहते हैं अब आप? बोलेंगे ब्रेक के बाद? बोलेंगे अभी तो ब्रेक का टाइम हो गया क्या? ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक का टाइम तो बहुत ज्यादा निकल गया। कहाँ? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलेंगे, बने रहिए।